हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक आरजेक्स। मेरा नाम है रजत और आज की वीडियो में हम लोग गाइस बात करेंगे यहाँ पे आपको लाइव इंसान जैसे कि ट्रिगर इंसान है उसका गेमिंग चैनल का थंबनेल वो किस तरीके से बनाना है। गाइस यहाँ पे मेरे सामने गेमिंग चैनल लाइव इंसान मतलब ट्रिगर इंसान का थंबनेल यहाँ पे बना हुआ है, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस इसको सेम टू सेम किस तरीके से प्रोसेस में बनाया जाता है वो बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे आपको कैनवा ऐप में, और यहाँ पे कैनवा ऐप में मैं canva.com लिखूंगा तो यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है गाइस। जैसे ही आप YouTube थंबनेल आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन दिखाई देगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज दिख रहा है इस तरीके का, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो एक एलिमेंट सेक्शन दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, और एक अपलोड सेक्शन फिफ्थ ऑप्शन वाला वो दिखाई दे रहा है। ये दोनों का काम है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट सेक्शन में जाना है, सॉरी अपलोड सेक्शन में जाना है। हमको यहाँ पे इमेज ले लेना है जो कि आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। ये वाला इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया। अब एडिट इमेज में जाऊँगा, बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा यहाँ पे, और इस इमेज को मेरे को क्या करना है, जूम कर देना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया जूम इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, आउटलाइन दे देना है थोड़ा बहुत, मतलब आउटलाइन शेडो में जाके ग्लो करने के टाइम पे इसको ब्लैक की जगह पे मेरे को वाइट कर देना है, थोड़ा साइज़ थोड़ा कम करना है, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे ये काम तो हो चुका। अब गाइस बढ़ना है आगे, आगे क्या करना है, हमको यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ले लूँ ग्रैनी चैप्टर 4 जो कि बहुत ट्रेंडिंग में, इसको कैसे लेना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो अपने तरीके से, जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पे हॉरर वॉल सर्च करना है, तो हॉरर वॉल सर्च करोगे ना यहाँ पे देखो आपको कई सारे यहाँ पे वॉल्स दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके का भी ले लूँ, ठीक है। देखो ये वाला, इसको मेरे को सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूँगा, देखो इस तरीके का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, और अगर नहीं है ऑप्शन तो यहाँ पे अपलोड फाइल में जाना है, यहाँ पे आपको ये ले लेना है जो कि इमेज आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड किया है, यहाँ पे ग्रैनी चैप्टर 4 का। तो मैं क्या करता हूँ इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद क्या करना है मुझे गाइज, यहाँ पे पीछे देखना है, देखो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको हटा दूँगा, सबसे पहले इसको ले लूँगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देना है, ऐड कर लेना है पीछे, ठीक है। और इसको मेरे को क्या कर देना है, लेयर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसमें तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा तो नहीं रिमूव होगा क्योंकि वेब एमपी फाइल है ऑलमोस्ट, ठीक है। और हो भी गया भाई, ओ माय गॉड वाओ। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है, तो इसको मेरे को क्या करना है, एडिट इमेज में जाना है, शेडो में जाना है, आउटलाइन दे देना है ब्लैक की जगह पर वाइट, ठीक है। इस तरीके का आउटलाइन दे देना है, ठीक है। ओ ये हो गया यहाँ पे। अब मेरे को लोगो भी लेना है, तो लोगो के लिए क्या करूँगा, ग्रैनी चैप्टर 4 का लोगो लेना है, तो मैं क्या करूँगा इसको हटा के इधर से इसको हटा के इधर से एडिट इमेज में बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा, तो ये रिमूव नहीं हुआ है, इसको हटा देंगे, इसको हटा के एडिट इमेज में जाना है, बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, नहीं हो रहा है, क्लिक हो जा रहा है। इसमें चले जाते हैं हम लोग, इसमें जाना है, इसको ले लेना है एडिट इमेज में बैकग्राउंड रिमूव,
यहाँ पे ये आ चुका है इस तरीके का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी रिमूव नहीं हुआ है, तो इसको एक्स्ट्रा करना है तो आप लोग बाहर से भी कर सकते हो, बट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर दूँगा ग्रेनी चैप्टर 4 करके, इस तरीके से, ठीक है। अच्छी यार, लोगो रहने से बराबर समझ में आता, तो इसको मेरे को लोगो बाहर से भी ले लूँगा, ठीक है, अगर नहीं है तो। देखो ये वाला लोगो ले लेंगे, यहाँ पे जाऊँगा अपलोड फाइल, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। एडिट इमेज बैकग्राउंड रिमूव, तो ये भी हो गया, देखा ये लोगो यहाँ पे हो गया रेडी। तो इसको मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना इस तरीके से, शेडो देना, तो शेडो में जाके आप लोग आउटलाइन कर सकते हो, आप ब्लैक कर सकते हो या तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ब्लैक कर दिया ताकि वो दिखे ज़ोर ज़ोर से। और पीछे का इमेज हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो पीछे का इमेज ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए अच्छा खासा, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रैनी हॉरर हाउस ऐसा लिखूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रैनी का हॉरर हाउस। तो यहीं पे देखना है कि कहीं ना कहीं तो मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे वॉल जो भी है। और अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपल से आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे सेम ही प्रोसेस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि लोगों को इस तरफ लगा दिया है और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। फियर वियर आप एरो वैरो लगा सकते हो, जैसे कि मेरे पास वीडियो में है एरो, तो मैं यहाँ पे इस तरीके का एरो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपने हिसाब से कोई भी एरो यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।